खबर यूपी के जनपद संभल से, जहां रोजगार के नाम पर युवाओं से भद्दा मजाक। जी हां, खबर यूपी के जनपद संभल के तहसील चंदौसी से, जहां ब्लॉक बनियाखेड़ा में रोजगार मेले के नाम पर युवाओं से भद्दा मजाक किया गया। समाचार पत्र के माध्यम से पहले तो जनपद के बेरोजगार युवकों को रोजगार मेला लगाने के नाम पर ब्लॉक बुलाया गया और फिर उनसे यह कहकर मना कर दिया गया कि हमारे पास ही कोई सूचना नहीं है। इस बात पर बेरोजगार युवक भड़क गए और हंगामा करने लगे। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे बेरोजगार युवकों ने बनियाखेड़ा ब्लॉक पर नारेबाजी की और खंड विकास अधिकारी से तीखी नोकझोंक भी हुई। रोजगार मेले की आस लिए ब्लॉक पहुंचे बेरोजगार युवकों का कहना था कि उन्हें ब्लॉक बुलाया गया था कि रोजगार मेला लगेगा और आप सबको रोजगार मेला मिलेगा, लेकिन हम सब के साथ धोखा किया गया। ना यहाँ कोई मेला लगा है और ना ही कोई बात करने वाला है। इस पूरे मामले पर खंड विकास अधिकारी शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि रोजगार मेले लगने की बात तो युवक कर रहे हैं, इनकी उन्हें जानकारी नहीं है और ना ही उसके पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हंगामा कर रहे युवकों ने बताया कि यदि जल्द उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए संभल से प्रशांत वासने की खास रिपोर्ट। रोजगार लोगों की उड़ाई जा रही है मजाक, बोलो ना, लोगों की उड़ाई जा रही है मजाक, सरकार कर रही है इनके साथ बेइंसाफी। एकत्रित हुए, क्या है मामला? हम रोजगार मेले के विषय में हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं कि सरकार ने एक अखबार में ऐड दिया है कि सभी युवा जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, कंपनियाँ आएंगी और वो लोगों को रोजगार देंगी, लेकिन यहाँ पर हम आए तो हमें कोई ना कंपनी दिखाई दी है और ना ही हमें कुछ दिखाई दिया है। लेकिन वो व्यवस्था नहीं है किसी के गाँव में। एकत्रित हुए आपके कार्यालय में, क्या है पूरा मामला? ये युवाओं को रोजगार मेला, श्रमिक कल्याण मेला, मिशन श्रमिक कल्याण चलाया गया था। इसमें योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जो श्रमिकों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं जानकारी दी जा रही है। हमारे यहाँ मनरेगा योजना के बारे में जानकारी दी गई है, अकुशल श्रमिकों के बारे में।